साथियों, कल यानी 15 सितंबर को उचाणा की नई अनाज मंडी अतिरिक्त अनाज मंडी में होने वाली पंचायत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पूरे हरियाणा से, पंजाब से, अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान वहां पे पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है कि 50,000 से अधिक किसान कल वहां पे जुटेंगे। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी पंचायत का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किसान, मजदूर, बेरोजगारों के ऊपर ज्यादती जुलम और अत्याचार किए हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक कैसे सिखाया जाए, ये हमारी पंचायत का एजेंडा है। अपने किसान भाइयों को, अपने मजदूर भाइयों को, अपने बेरोजगार भाइयों को एकजुट करना, जागरूक करना, उनके ऊपर हुई जातियों को याद दिलाना, उनको लामबंद करना, ये हमारी पंचायत का उद्देश्य है। हम ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ना तो हम किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट की अपील करते हैं, ना किसी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ना तो वोट मांगना हमारा एजेंडा, ना किसी को राजनीतिक सपोर्ट करना हमारा एजेंडा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो। ना तो हमने आज तक किसी के लिए वोट मांगा है, ना आगे किसी को के लिए मांगेंगे, ना किसी को राजनीतिक सपोर्ट किया है, ना आगे किसी को राजनीतिक सपोर्ट करेंगे। ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों की महापंचायत है, मजदूरों की महापंचायत है। अपने जो हमारी मांगे हैं, जैसे MSP गारंटी कानून है, उन मांगों को लेकर ये पंचायत करी जा रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अधिक से अधिक संख्या में आइए। और एक बात मैं ये भी कह दूं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले जब हमने कैथल के पाई में अपनी बहुत बड़ी महापंचायत करी थी किसानों मजदूरों की, उस समय भी कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाने का प्रयास किया था फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि भाई हो सकता है किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी के लिए वोट की अपील करते हैं, इस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाने का प्रयास किया था। लेकिन उनकी सारी झूठी अफवाहें बिल्कुल गलत साबित हुई थी और पूरे प्रदेश ने देखा था कि किस तरीके से हमने पाई की पंचायत में हमारा एकमात्र एजेंडा यह था कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी की गलत नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और लोगों को उसी दिशा में हमने कहा था। तो मैं आप सबसे यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी भी अफवाह का शिकार नहीं होना है। आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, हमारी महापंचायत का एजेंडा सिर्फ अपने किसानों को, मजदूरों को एकजुट करना है, MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे सरकार पे अधिक से अधिक दबाव बनाना है, ये हमारा एजेंडा है। किसी को राजनीतिक सपोर्ट करना, किसी के लिए वोट की अपील करना, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई पार्टी वाला हो, इस तरीके का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ये हमारी पक्की जुबान है और आपसे बिल्कुल वादा करते हैं कि इस बात पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। और एक और चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों, कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, अगर कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास अगर हमारी महापंचायत में करेगा, तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा समाज, 36 बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा होके कोई सख्त फैसला लेगा और उसके लिए वो जिम्मेदार स्वयं होगा। इसीलिए चुनावी राजनीति करने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग हमारी महापंचायत से उचित दूरी बना के रखें। हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, चुनावी राजनीति करने वाले किसी भी व्यक्ति को माइक और मंच के नजदीक नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, एक बात और कर दें, या आपको एक बात और बता दें कि साथियों, हमारी जो ये महापंचायत है, ये एक दिन का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का। तो मेरी तमाम साथियों से प्रार्थना है कि सभी साथियों को बिल्कुल अनुशासन में, शांति के साथ पंचायत स्थल तक पहुंचना है और उसके बाद 3:30-4 बजे पंचायत खत्म होने के बाद बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ, सुरक्षित तरीके से अपने अपने घरों को वापस लौटना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार क्या हो जाता है, जो नौजवान हमारे भाई आते हैं, कई बार वो जोश में आ जाते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, किसी को चोट लग जाए आते जाते रास्ते में। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, पहले एक आधी ऐसी घटना हो गई है, इसलिए सब भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बिल्कुल धीरे, संयमित, अनुशासन के साथ, शांति के साथ आए, सुरक्षित तरीके से पंचायत में आए सुबह 10 बजे और शाम को पंचायत खत्म होने के बाद सुरक्षित तरीके से ही अपने घरों में जाएं, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे सब आपका घर में आपका इंतजार कर रहे होंगे। और ये भी क्लियर कर दें कि हमारा मात्र 6 घंटे की ये महापंचायत है और प्रशासन भी किसी तरीके की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास ना करे। पिछली बार जब हमारी पाई में पंचायत हुई थी तो उस समय कई जगहों पे पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे पदाधिकारियों के घरों में छापेमारी करके उनको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उनके सारे प्रयास फेल हुए थे। तो हम प्रशासन से भी विनम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रशासन किसी भी तरीके की गड़बड़ करने का प्रयास हमारी महापंचायत में ना करे।
अगर प्रशासन किसी भी किसान को रोकने की कोशिश करेगा, किसी भी किसान को मजदूर को परेशान करने की कोशिश करेगा, तो उस स्थिति में जो भी फिर फैसला लिया जाएगा, जो भी स्थिति बनेगी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, उसकी फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अदरवाइज अगर पुलिस प्रशासन कोई अव्यवस्था नहीं फैलाएगा, किसी को रोकने का प्रयास नहीं करेगा, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ये बात कह रहे हैं, हमारा एक दिन का कार्यक्रम है 10 से 4 बजे तक का, और अपना शांतिपूर्ण माह पंचायत करके अपने अपने घरों को हम वापस लौट जाएंगे। तो ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। और आप अंत में तमाम साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल सुबह 10 बजे उचाना की जो नई अनाज मंडी है, जिसको अतिरिक्त अनाज मंडी भी बोलते हैं, वहां अधिक से अधिक संख्या में सारे किसान भाई, मजदूर भाई बढ़ चढ़ के पहुंचे। बहुत सारे गांव से संदेश आ रहे हैं कि उन्होंने लंगर व्यवस्था भी कर ली है, सारी चीजें कर ली है। तो परमात्मा प्रकृति के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से बहुत ही ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, जो हरियाणा की राजनीति में प्रभाव डालने के साथ साथ किसानों की किस्मत में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का कार्य करेगी। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, अधिक से अधिक संख्या में उचाना नई अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।